बलात्कार के मामले के आरोपी की जमानत पर रिहा होते ही रेप पीड़ित नाबालिग छात्रा फांसी पर झूल गई। घटना जरीपटका थाना क्षेत्र में हुई। 17 वर्षीय मृतक 11वीं की छात्रा थी। 20 वर्षीय विकास पुजारी मृतक छात्रा का रिश्तेदार है। वह छात्रा को शादी का झांसा देकर जून में उसे अगवा कर बेंगलुरु ले गया। बेटी के लापता होने से माता पिता ने जरीपटका पुलिस में अपहरण का केस दर्ज कराया। खोजबीन में पुलिस को छात्रा के विकास के साथ बेंगलुरु में होने का पता चलने पर पुलिस ने वहां दबिश देकर नाबालिग को मुकरा कर विकास को हिरासत में लिया। जांच में छात्रा का यौन शोषण किए जाने का खुलासा हुआ। इसके आधार पर रेप तथा पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया। बताया जाता है कि छात्रा गर्भवती हो गई थी। परिजनों की सहमति से उसका गर्भपात किया गया। इसके बाद से वह काफी तनाव में थी। 4 दिन पूर्व विकास की जमानत पर रिहाई हो गई। नाबालिग के परिवार में माता पिता तथा छोटा भाई है। सोमवार दोपहर सभी बाहर गए थे, तभी छात्रा ने फांसी लगा ली। घर पहुंचने पर परिजनों को घटना का पता चला। सुसाइड नोट नहीं होने से खुदकुशी की वजह पता नहीं चल पा रही है। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। एक रेप विक्टिम जिसके फरियाद के ऊपर से रेप का ऑफेंस दाखिल किया गया था, आरोपी को अरेस्ट किया गया था और उस केस में चार्जशीट भी दाखिल की गई है। उसमें उस विक्टिम ने कुछ दिन पहले सुसाइड किया है। सुसाइड के प्रकरण में एक्सीडेंटल डेथ दाखिल किया गया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू है। जो रेप का केस था उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट पे उसको लाया जाए, इसके लिए हमारी प्रोसेस ऑलरेडी शुरू है और हमारी प्रयास है कि इसमें जल्दी से जल्दी आरोपी को सजा हो सके, उसके लिए हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आरोपी किडनैपिंग विद पॉक्सो एक्ट और रेप का ये ऑफेंस इसमें रजिस्टर्ड है और इसमें मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस सामने आया है, जिससे मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार की चार्जशीट गई है साइंटिफिक एविडेंस के साथ में, आरोपी को डेफिनेटली सजा मिलेगी। उसकी कुछ अब वो एडी दो दिन से एडी की इन्वेस्टिगेशन शुरू है, अभी बहुत ही प्री मैच्योर होगा रीजंस बताना कि क्यों उसने सुसाइड किया है, लेकिन अलग अलग इश्यूज पे तपास चौकसी पुलिस द्वारा की जा रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज नागपुर।